चलिए अभी इथेन की कॉन्फर्मेशन देख लिए थे हमने। अब हमको अगली चीज जो इसमें देखनी है नहीं कौन सी है, जैसे इथेन का मॉलिक्यूल है उसमें से एच को हटा के मिथाइल लगाया, तो दूसरे कार्बन पर से भी एच को हटा के हमने मिथाइल लगा दिया, ठीक है। तो इसको हम कैसा इट इज सब्स्टिट्यूटेड इथेन जैसा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या आएगा, हम बोलेंगे एच की जगह पर हमने जो ग्रुप लगाया है मिथाइल, इसका साइज क्या रहने वाला है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन की कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। समझ आती बात ये, और हाइड्रोजन की कंपैरिजन में भी बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा ये, तो हम बोलेंगे यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन जो रहेगा वो ज्यादा होता है, या हम बोलेंगे टॉर्शनल एनर्जी बेरियर जो होता है वो क्या रहेगा, ज्यादा होता है। समझ आती बात ये, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो इंटर कन्वर्जन कॉन्फर्मर्स का वो क्या होगा, या कॉन्फर्मेशन का, तो हम बोलेंगे वो रैपिडली होगा, तो बट क्या हो जाएगा, इथेन जितना ज्यादा आसानी से नहीं, है ना। अभी भी कॉन्फर्मेशन जो होंगे इनको हम क्या नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर पाते, है ना, दे आर स्टिल इनसेपरेबल, ठीक है। बट रिलेटिव बात हम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इथेन की कंपैरिजन में डेफिनेटली यहाँ पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्फर्मेशन जो होते हैं ये क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे उतना ज्यादा तेजी से इंटर कन्वर्ट नहीं होते जितने आसानी से वो किस में हो रहे थे, दैट वॉज इन इथेन। आई ना बात समझ में, और वजह क्लियर है इसकी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर नहीं, क्या है, दोनों मिथाइल ग्रुप हैं तो इनका साइज भी बड़ा है, तो इनके स्पेस में रिपल्शंस होंगे, या इनके जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टॉर्शनल स्ट्रेन आता है, वो क्या होता है इसमें ज्यादा होता है ना। यहाँ पे टॉर्शनल एनर्जी बेरियर जो होता है वो अराउंड 20 किलो कैलोरीज पर मोल का रहेगा, जो इथेन में कितना था, दैट वॉज 3 किलो कैलोरीज पर मोल। आई ना बात समझ में, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। बट स्टिल क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे अभी भी इतना रैपिडली इंटर कन्वर्ट होंगे कि क्या नहीं होगा इनमें, तो हम बोलेंगे इतना रैपिडली इंटर कन्वर्ट होते कि इनको सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। उधर पिछले वाले में को एनएमआर से रिलेटेड मैंने बोला था, दैट वॉज नॉट द ट्रू फैक्ट बेसिकली, उसको इग्नोर कर देना ना, जो पिछले वाले उसमें एनएमआर से रिलेटेड एक स्टेटमेंट मैंने बोला था, दैट यू नीड टू इग्नोर, ठीक है। अब कौन सी वाली चीज होती है अगली इसमें, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि इसके जो कॉन्फर्मेशन हैं उनमें से हम क्या करेंगे, जो इनफाइनाइट नंबर है उसमें से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिक्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो 60-60 डिग्री के डिफरेंस पर जो बनने वाले हैं उनसे रिलेटेड अपन स्टडी कर रहे हैं। और एक चीज और इसमें, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन जो हैं जैसे पॉसिबल हैं, तो हम बोलेंगे जैसे क्या, जैसे C1, C2, C3 एंड C4, तो हम बोलेंगे जैसे C1, C2 बॉन्ड के अलॉन्ग भी कॉन्फर्मेशन का एग्जिस्टेंस होगा, और C2, C3 बॉन्ड जो होते हैं इनके क्रॉस भी क्या होगा, तो हम बोलेंगे कॉन्फर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जो कॉन्फर्मेशन स्टडी कर रहे हैं उनमें हम कौन सी चीज बोलेंगे, इट इज बॉन्ड रोटेशन जो होगा वो किसके अलॉन्ग किया जाएगा, दैट इज अलॉन्ग C2, C3 बॉन्ड। आई ने बात समझ में, ठीक है। हमने जैसे C2 को फिक्स कर लिया, तो H और मिथाइल फिक्स हो गए, और इस बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट करें तो H और मिथाइल इनके रिलेटिव पोजिशन उनके रेफरेंस में चेंज होती जाएगी। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीस्ट स्टेबल है इससे हम शुरू कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या है, हम लोग लेटेस्ट मिथाइल मिथाइल को इक्लिप्स कर रखा है, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को, और इधर भी हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्फर्मर होगा ना, ये वाला जो कॉन्फर्मेशन होता है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। समझ आ गई बात ये, है ना, ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। समझ आई बात ये, तो इस वजह से क्या बोलेंगे अपन, दिस विल बी अबाउट दैट एनर्जी मैक्सिमा, इसका नाम सिन पेरिप्लेनर, ये इसी को फुल्ली इक्लिप्स्ड भी बोलते हैं, है ना। हमने क्या लिखा है, सिन पेरिप्लेनर, या यही क्या कहलाएगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड मिथाइल ऑन मिथाइल, हाइड्रोजन ऑन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑन हाइड्रोजन, है ना। सारे आइडेंटिकल ग्रुप्स ने एक दूसरे को कवर कर रखा है, क्या बोले उसको हमने, इट इज फुल्ली इक्लिप्स्ड। समझ आई बात ये, ठीक है। अब इसको जो हमने क्या किया, इट इज 60 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है। तो 60 डिग्री रोटेशन पर नहीं, ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है उस स्पेस में एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर हो गए, बट स्टिल क्या है, तो हम बोलेंगे दो मिथाइल अभी भी क्या है, एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल पर ही है। समझ आ रही है बात ये, तो इस वजह से कौन सी वाली चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे जो इसको हमने बोला इट इज गॉश या सिन क्लिनल, ये सिन पेरिप्लेनर से तो ज्यादा स्टेबल होता है, बट स्टिल ये सबसे ज्यादा स्टेबल अभी भी नहीं रहेगा।
समझ आ गई बात ये, है ना, क्योंकि इनमें अभी भी क्या रहेगा, टॉर्शनल स्ट्रेन तो होता है, ठीक है। अब इसको हम जब क्या करेंगे, जब फर्दर 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो फर्दर 60 डिग्री रोटेशन पर क्या हो जाएगा, एच ने मिथाइल को कवर किया, बट मिथाइल का साइज बड़ा है तो वो पूरी तरीके से इक्लिप्स्ड नहीं होता है, तो इसको हम एंटी क्लिनल बोलते हैं, या यही क्या कहलाता है, हम बोलेंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड। समझ आ गई बात, ये पार्शियल इक्लिप्स जो होता है एंटी क्लिनल फॉर्म, इसकी एनर्जी सिन पेरिप्लेनर से तो क्या रहेगी, कम होती है ना, ये जैसे सिन पेरिप्लेनर की हाइएस्ट थी, ये क्या एंटी क्लिनल की एनर्जी है, तो ये क्या रहेगी, सिन क्लिनल से तो ज्यादा होती है, लेकिन सिन पेरिप्लेनर से कम होती है। रीजन समझ में आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन मिथाइल में उतने स्ट्रॉन्ग रिपल्शन नहीं होंगे जितने किसमें थे, मिथाइल मिथाइल में थे। समझ आ रही बात ये, तो इसमें एंटी क्लिनल जो होगा दैट इज मोर स्टेबल देन व्हाट दैट फुल्ली इक्लिप्स्ड और सिन पेरिप्लेनर, बट विल बी लेसर स्टेबल देन गॉश और सिन क्लिनल। आया समझ में, ठीक है। अब इस एंटी क्लिनल को फर्दर 60 डिग्री से रोटेट किया, तो फर्दर 60 डिग्री रोटेशन पर ये मिथाइल मिथाइल क्या हो गया, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वन अनदर, एंड सेम इज विद द हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज एंटी पेरिप्लेनर, या सिंपली इसको एंटी फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें मिथाइल मिथाइल फार्देस्ट पॉसिबल है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें रिपल्शन विल बी द मिनिमम, है ना, या टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम हो जाएगा, इस वजह से एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म जो होगा इसकी स्टेबिलिटी इन सब में सबसे ज्यादा हो जाती है, जो कहां भी दिखेगा हमको, हम बोलेंगे ना कि कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस में एनर्जी मिनिमा पर दिखता है, ना दैट इज एट द लीस्ट पॉसिबल एनर्जी। तो दिस एंटी पेरिप्लेनर कॉन्फिगरेशन ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फर्मेशन होता है। आगे बात समझ में ना, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन, ठीक है। अगली चीज जो हम बोलते हैं वो कौन सी, इसको फर्दर 60 डिग्री पर रोटेट किया तो फिर से क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट एंटी क्लिनल फॉर्म मिलेगा, है ना, दिस इज इक्विवेलेंट एंटी क्लिनल फॉर्म मिला हमको। आया क्या समझ में, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं कि एंटी पेरिप्लेनर से इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, है ना, लेकिन क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे इससे सिन पेरिप्लेनर से ज्यादा होती है, और गॉश या सिन क्लिनल से भी इसकी स्टेबिलिटी कम रहने वाली है। यहाँ से ग्राफ फिर से बढ़कर इन दोनों की एनर्जी इक्वल रहती है, बिकॉज दे आर व्हाट दे आर आइडेंटिकल टाइप ऑफ, ठीक है। अब क्या होगा, हम बोलेंगे इसको फर्दर 60 डिग्री रोटेट किया हमने, तो फिर से मिथाइल मिथाइल पास में आ गए, तो क्या हो जाएगा, दिस अगेन हैज बिकम व्हाट, गॉश और सिन क्लिनल, ये गॉश और ये वाला गॉश दे आर इक्विवेलेंट, ये एंटी क्लिनर और ये वाला एंटी क्लिनल, ये क्या है, दीज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब उसको गॉश या सिन क्लिनल को जब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि फर्दर 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं, तो वापस हम किस पर आ जाएंगे, दैट इज सिन पेरिप्लेनर पर। समझ आ गई बात ये, है ना, तो ये कॉन्फर्मेशन जो हमने बनाए सिक्स वाले डायहेड्रल एंगल 60-60 बढ़ाते गए, ठीक है, तो उससे क्या मिला हमको, दिस इज व्हाट दैट कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें भी हम देखें तो एक्चुअली तो क्या है, हम बोलेंगे गॉश सिन क्लिनल एंड दिस गॉश सिन क्लिनल दे आर सेम, वैसे दिस एंटी क्लिनल एंड दिस एंटी क्लिनल दे आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जो हमने कॉन्फर्मर्स एक्चुअली सिक्स बनाए कॉन्फर्मेशन, इसमें रहेंगे तो कितने, चार, बिकॉज ये दोनों इक्विवेलेंट और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, एंटी पेरिप्लेनर मोर देन व्हाट, गॉश और सिन क्लिनल मोर देन एंटी क्लिनल मोर देन सिन पेरिप्लेनर, ठीक। दूसरे जो इनके नाम मैंने बताया आपको, ये क्या है, हम बोलेंगे दिस इज एंटी मोस्ट स्टेबल, उसके बाद क्या हो जाएगा, इट इज गॉश, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, पार्शियली इक्लिप्स, और उसके बाद सबसे कम कौन हो जाएगा, इट इज फुल्ली इक्लिप्स। समझ आ गई बात, ये वाले टर्म्स भी इनके लिए यूज किए जा सकते हैं। आगे समझ में, है ना, एक लास्ट चीज और इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगी ना, वो कौन सी वाली, तो हम बोलते हैं कि इसमें एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि कॉन्फर्मेशन तो इसके लिए भी क्या रहेंगे, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, ठीक है। बट जैसे इन कॉन्फर्मेशन को भी हम काफी लो टेम्परेचर पर ले जाएं, तो काफी लो टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जो कम एनर्जी वाले होते हैं, दैट इज सिन क्लिनल एंटी पेरिप्लेनर और दूसरा वाला सिन क्लिनल, ये क्या हो जाएंगे, हमको फ्रिज होकर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड कॉन्फर्मर्स, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, कॉन्फर्मर्स या कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। आती क्या बात समझ में,
एनर्जी मैक्सिमा वाले कम टेम्परेचर पर फिक्स हो गए, तो ये भी कॉन्फर्मेशन है, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉट कॉन्फर्मर्स, जो क्या रहेंगे एनर्जी मिनिमा पर होते हैं, ठीक है, या क्या रहेंगे मोर स्टेबल, या फिर जो कम टेम्परेचर पर क्या हो गए फ्रिज हो गए, समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो दे ऑल आर कॉन्फर्मेशन, बट कॉन्फर्मर्स आर वॉट, तुमने बोला जो कम एनर्जी वाले थे वो, है ना, जो कम टेम्परेचर पर फ्रिज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए हमको ये वाली चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, समझ आ गई बात ये, है ना। सो दिस वॉज रिलेटेड टूवर्ड दैट कॉन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। अब अगले वाले सेक्शन में क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे इथेन को इथेन के सब्स्टिट्यूएंट मान के हम देखेंगे, तो आसान हो जाता है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स लगाएंगे, उनके रेफरेंस में हम क्या देखेंगे, दैट इज कॉन्फर्मेशन देखेंगे, ठीक।